हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, फिट होंगे। मेरा नाम कौटिल्य और आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लाया हूं। आज हम बात करेंगे पश्चिम मोतान आसन की। पश्चिम मोतान आसन को कैसे परफॉर्म करना है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक देखें, कहीं स्किप ना करें, इससे आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पश्चिम मोतान आसन करने से हमारे शोल्डर, स्पाइन, हैमस्ट्रिंग को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और ये हमारी मसल्स को स्ट्रांग करता है और फ्लेक्सिबल करता है। इसके साथ साथ ही इसके इंटरनल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, यूटेरस, ओवरी, इन सबकी फंक्शनिंग में भी बेनिफिशियल है। जिसके सर में दर्द रहता है, एंजाइटी प्रॉब्लम है, उन चीजों को भी ये रिड्यूस करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे यममृतात्। ओम। आप यहां पे एक अच्छा वार्म अप कर लें, उसके बाद शुरू करें। अपने पैर आगे की ओर फैला लेंगे, नी स्ट्रेट, पैर मिले हुए, टोज आपकी तरफ खिंचे हुए। उसके बाद आपकी बैक स्ट्रेट होगी। अपने हाथों को आप ऐसे लॉक करेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे हाथों को, अच्छा एक स्ट्रेच लेंगे हाथों का। अब इनहेल करते हुए लोअर बैक से बेंडिंग लेंगे और कैच योर टोज, और हाथों को आगे पकड़े हुए पुश करेंगे, और एक्सहेल करते हुए फेस आपका नीज पर टच। यहां पे आपको कोशिश करनी है होल्ड करके नॉर्मल ब्रीदिंग करें। और आपको साथ साथ करना क्या है, जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो आपको कोशिश करनी है अपनी लोअर बैक को आगे पुश करें और हाथों से बॉडी को आगे खींचें। ऊपर आने का तरीका देख लें, इनहेल करते हुए फेस अप, हाथ ऊपर, स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूं जो लोग पश्चिम मोतान आसन प्रॉपरली नहीं कर पाते, यानी कि बिगनर्स के लिए। वो क्या करेंगे, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, आप अपने हाथों को मैक्सिमम जितना आगे से पकड़ सकते हैं अपने पैरों को पकड़ेंगे। जैसे कोई नी से पकड़ सकता है तो नी से पकड़े, कोई शिन से पकड़ सकता है शिन से, कोई एंकल से पकड़ सकता है तो एंकल से पकड़े। तो यहां पर मैं एंकल से पकड़ के आपको दिखाता हूं। एंकल से पकड़ लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से बेंडिंग लेंगे और हाथों से खींचेंगे अपने आप को आगे, और आपकी चिन चेस्ट पे टक कर लेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट अपने घुटनों पे अपने सर को नहीं टच कर पाएंगे। तो इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए डाउन, चिन चेस्ट पे टक करके रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहां पे। और जब भी सांस अंदर लेंगे तो कोशिश करेंगे अपनी लोअर बैक से अपने आप को आगे पुश करें, धीरे धीरे पुश करें और हाथों से खींचे बॉडी को आगे और होल्ड करें। यहां पे हर सांस के साथ लोअर बैक से पुश करेंगे बॉडी को आगे। और ऊपर आने के लिए इनहेल करते हुए फेस अप, हाथ ऊपर, स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए बॉडी रिलैक्स। आप इसकी रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगी और आप पश्चिम मोतान आसन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप आगे फ्यूचर में मेरी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस ना मिस करें। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।